आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यादवों के घर जो हैं तोड़ दिए गए, अयोध्या का विकास हो रहा है, आपने कहा कहाँ बन रही है स्मार्ट सिटी, क्या अयोध्या का विकास आपको पसंद नहीं आ रहा? उत्तर प्रदेश का विकास हो, अयोध्या का विकास हो, भगवान श्री राम का मंदिर बने, लेकिन गरीबों को उजाड़ करके क्या पुण्य काम के लिए आप किसी घर पे बुलडोजर चला देंगे? आप ये कहां की परंपरा है, ये कहां की संस्कृति है, किसने सिखाया आपको, किस कानून में ये बात है? आप उन्हें मुआवजा दीजिए, अगर किसी पुण्य काम के लिए 6 गुना मुआवजा दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हजारों करोड़ रुपए आपके पास हैं, डबल इंजन की सरकार है आपके पास, जितनी जमीन नहीं जा रही, 6 गुना मुआवजा दीजिए। मुझे याद है लागरा से लखनऊ सड़क के लिए जमीन ली थी, या लखनऊ से लेकर के आपके बलिया और गाजीपुर तक के लिए सड़क ली जा रही थी, सर्किल रेट बढ़ा करके मुआवजा दिया किसानों का, एक किसान सड़क पर नहीं आए, आंदोलन नहीं किया। इसी लखनऊ शहर में हमारे बैठे हैं नवाब लोग, दो पीछे बैठे हुए हैं, इनके पास बिजली घर हटाना था, मुझे अधिकारियों ने कहा कि 37 करोड़ आपको बजट देना पड़ेगा पैसा। मैंने कहा हाँ, इस इलाके को सुंदर करना है, आ चाहे हमें 37 करोड़ देना पड़े, एक रस्तों की फैमिली है उसको 37 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था और बिजली का घर हटाया था वहां से। तो सरकार के खजाने में क्या कमी है? आप एक पुण्य काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, कौन नहीं भगवान श्री राम को मानता है? क्या वो जिनके घर उजाड़ दिए वो नहीं मानते क्या भगवान राम को? क्या वो व्यापारी जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही है वो नहीं लड्डू चढ़ाते थे, प्रसाद बनाते थे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब वो कह रहे हैं 23 तक मंदिर बना देंगे, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव? कई चुनाव ऐसे ही लड़ते रहेंगे, नहीं बनाएंगे लोग। किसने रोका है ना बनाने के, किसने रोका है? बनाएं आप, जब उत्तर प्रदेश में 323 किलोमीटर 22 महीने में एक्सप्रेस वे बन सकता है तो किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप बनाइए, किसने रोका है? तो बना रहे हैं, अब उसका बेनिफिट वो लेंगे ना, 24 तक भी तो लेंगे। हाँ, ये सवाल है, ये भी अच्छा जवाब दिया आपने। पॉलिटिक्स इनके लिए पूरा आस्था केवल वो फायदा नुकसान है, हम लोग मानने वाले लोग हैं भगवान को, जब घर से निकलते पूजा करके निकलते, लेकिन दिखावा नहीं करते अपनी पूजा का। हमने मुखंडी आवास में मंदिर बनाया, अपनी जिंदगी में मुखंडी ने ऐसा सुंदर नहीं बनवाया हुआ। आप कह रहे हैं आप ज्यादा बड़े हिंदू हैं उनसे, वो बताएं कि हम हिंदू हैं कि नहीं है बीजेपी वाले, तब उनको जवाब दूंगा मैं। वो तो अरे गेरुआ वस्त्र पहने मुख्यमंत्री है आपके पास, आप कह रहे हैं बताएं। अब देखिए फिर रामायण मैं याद दिला दूंगा, तो रामायण याद दिला दूंगा मैं। बताइए। नहीं मैं याद नहीं दिलाऊंगा, मैं उस लाइन पे नहीं जाना चाहता हूं। आप इस बार मुख्यमंत्री से कहिएगा 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट का बना देंगे। अच्छा फिर आप एक बार जवाब दे दीजिए वो अब्बा जान वाली बात का, ये आया कहां से हम समझ नहीं पाई, अचानक से कहां से आए? देखिए उत्तर प्रदेश का विकास करना नहीं है, लैपटॉप देना नहीं है, एक्सप्रेसवे बनाना नहीं है, बिजली कारखाने बनाने नहीं है, मेट्रो बढ़ानी नहीं है, स्कूल कॉलेज बनाने नहीं है, मेडिकल कॉलेज बनाने नहीं है। मेडिकल कॉलेज बोले पुरानी सरकार के जो बने पूरे नहीं कर पाई ये लोग। मुझे याद है देश के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी गुलाम नबी आजाद साहब थे और नड्डा साहब थे, आप फाइल मंगवाइए, उस समय जो जो स्वीकृत किए थे उसके बाद थोड़े बहुत मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए, वो भी अभी नहीं बना पाए। इनसे पूछिए आपने जौनपुर का मेडिकल कॉलेज क्यों काम रोक दिया, बदायूं के मेडिकल कॉलेज का काम क्यों रोक दिया, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का काम क्यों रोक दिया आपने, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों नहीं दिया, सैफई के मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों नहीं दिया? ये नए मेडिकल कॉलेज का दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में होर्डिंग देखी होगी आपने, बिल्कुल लगी। लेकिन आप जौनपुर जाइए, आजमगढ़ जाइए कि आखिरकार क्यों मेडिकल कॉलेज रोक दिए, सिद्धार्थनगर में भगवान बुद्ध के नाम से यूनिवर्सिटी बन रही थी उसका बजट क्यों रोक दिया, केजीएमयू का क्या बजट दिया है, जहां पर लारी का सेंटर बना था जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां पर एक नई बिल्डिंग बन रही थी क्यों काम रोक दिया उसका, कैंसर इंस्टीट्यूट ये बन रही है इसका काम अभी तक नहीं शुरू कर पाए, अब जाकर के शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, इनके सबसे बड़े नेता देश के कई बार प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था, बताइए मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, मुख्यमंत्री से पूछिए, वो यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, वो चला रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के हॉस्पिटल में 9th फ्लोर पर, बताइए। जो सरकार 4.5 साल में अपने सबसे बड़े नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी ना बना पा रहे हो, और वो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में 9th फ्लोर पर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, इनसे विकास की उम्मीद करोगे? इसीलिए ये नए नए शब्द ढूंढ के लाते हैं। अच्छा अखिलेश जी, बहुत सारे सवाल हुए, आपने बहुत सारी बातें भी कही, अंत में ये बताइए कि योगी जी को छोड़ दीजिए, योगी जी के बारे में आपने बहुत कुछ कह दिया। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भी छोड़ दे। मैंने शुरुआत में कहा था ये बड़े हाजिर जवाब दिखती हैं,
अच्छा ये बताइए कि ये मोदी जी, कट कर देना, कोई इशू नहीं सर, लाइव है सब। अच्छा दैट्स ओके। ये बताइए कि मोदी जी तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 24 में अगर उनको आना है उत्तर प्रदेश में, जो दो बार 14 और 19 में कारनामा किया, उसके बगैर नहीं आ सकते। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लोकप्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं या नहीं? देखिए मैं किसी की लोकप्रियता पर जवाब देने नहीं आया हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चलाया, झूठ बोलते हैं, प्रचार में पैसा खर्च करते हैं, प्रचार ही इनका विकास है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी चुनाव में। और आज अखिलेश जी ने जितने दावे किए, जिस सरकार ने काम नहीं किया, उसके जवाब हम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ होंगे आज कार्यक्रम में, उनसे हम जरूर लेंगे, और हो सकता है उनकी टीम आपने जो सवाल उठाया उसके जवाब तलाश भी रही हो। बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर शुक्रिया हम करना चाहेंगे अखिलेश जी आपका, आप चुनाव मंच पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।